क्योंकि मैंने गुजरात का गरबा देखा है, तो ऑब्वियसली यहाँ के गरबा की भी चर्चा हो रही है. आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा कुछ नहीं है, बट वहाँ के मज़े मैंने देखे हुए हैं और यहाँ पे काम के साथ वक्त नहीं निकाल पाती, तो मैंने हार्डली मैं मुंबई में गरबा खेलने कभी गई हूँ. बहुत ही ज़्यादा ऑल्सो इतना बड़ा इतना प्यारा इवेंट था आज का, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट बीइंग अ गुजराती, बिकॉज यू नो एक बहुत बड़े इवेंट बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है फॉर नवरात्रे, एंड आई एम हियर फॉर इट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड फॉर इट्स लाइक लॉन्च. सो मैं चाहती हूँ कि उस टाइम पे यू नो माता रानी की ऐसी कृपा आए और मैं यहाँ पर गरबा खेलने ज़रूर आऊँ. आई एम कोई फेवरेट नहीं होता है, बट ऑब्वियसली आई लव एक सनेडो जब बजता है ना, कोई कितना भी सोया हुआ हो, रात के 3 भी बजे हो, इंसान जग जाता है. ठीक है, हीच इज समथिंग आई रियली एन्जॉय, एंड वो एक पूरा ताल होता है, धीरे आप 3 ताली से स्टार्ट करते हो और फिर एंड में इतना पेसी हो जाता है कि पैर ना ऐसे बोलते बस रुक जाओ बैठ जाओ. सो आई ऑब्वियसली वो क्रिसेंडो तक जाना तो बनता है, बिकॉज उसी में मज़ा है गरबा का. तरह का गरबा देखा है मैंने, स्कूल का गरबा देखा है मैंने, मैंने फेमस पार्टी प्लॉट्स जहाँ वहाँ पर होते हैं तो उनके गरबे देखे हैं मैंने. अहमदाबाद टू बड़ौदा ट्रैवल करके गरबा देखा है मैंने, अहमदाबाद टू सूरत ट्रैवल करके गरबा देखा है. सो आई हैव डन ऑल ऑफ दैट, एंड गरबा करके सुबह 5 बजे रेस्टोरेंट ढूंढना भी बहुत बड़ा टास्क होता है कि क्या खुला है. यूजुअली वहाँ सब खुला रहता है बिकॉज सबको पता है कि उनका बिजनेस है बहुत. सो आई हैव सीन ऑल ऑफ दैट. क्लैरिफाई, वी आर वन ऑफ द टॉप 3 शॉर्ट फिल्म फ्रॉम इंडिया जिसकी LA में स्क्रीनिंग होने वाली है और हम एलिजिबल है फॉर ऑस्कर क्वालिफिकेशन. सो ऑब्वियसली हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं. सो आई रियली होप कि आगे जितने भी पड़ाव है वो हम पार करें और हम वन ऑफ द नॉमिनेशंस बने. बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट नो डाउट फॉर लाइक ऑल ऑफ अस आर इंटायर टीम. एंड ज़िबा के बारे में मैं कहना चाहूँगी, इट्स अ वेरी सेंसिटिव प्रोजेक्ट, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक दैट वी हैव चोजन. इट्स अबाउट FGM विच इज़ कॉल्ड फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन. आई एम श्योर कई लोगों को नहीं पता होगा, मैंने जब स्क्रिप्ट पहली बार पढ़ी मुझे पहली बार पता चला कि ऐसा कुछ होता है. खतना जो हम बोलते हैं मर्दों का होता है, औरतों का भी होता है, एंड इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. एंड जब कहानी मैंने पढ़ी आई न्यू एट दैट वेरी पॉइंट कि मुझे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना है, बिकॉज इट्स अ स्टोरी जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए इस बारे में. सो आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ तक पहुंची हमारी शॉर्ट फिल्म, एंड आगे और भी लाइक पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करें एंड लोगों का साथ और अप्रिसिएशन मिले. मैंने बहुत यूनिक चीज़ें करी है 2022 में, बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, चाहे फिर वो मेरी सबसे पहली जो एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की फिल्म है काया पलट, उसका शूट करना हुआ हो, या फिर ज़िबा हो, या फिर कैंस हो, या फिर अब ये हो. सो या इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव ईयर सो फार.